आज हम बनाएंगे ऑरेंज केक। ऑरेंज केक के लिए मैंने ये ऑरेंजेस लिए हैं। आप नागपुर ऑरेंजेस मत लेना, ये ऑस्ट्रेलियन ऑरेंजेस होते हैं जो उसको हम माल्टा भी बोलते हैं, वो वाले हम लेंगे। इसके लिए 2 टेबलस्पून हम इसका जेस्ट निकालेंगे, बाकी का जो है हमको 1/2 कप ऑरेंज जूस चाहिए। अब हमने लिया है ये 2 कप ऑल पर्पज फ्लावर है मैदा, और इसमें हम डालेंगे 1 टीस्पून सॉल्ट। सॉल्ट के बाद जाएगा उसमें बेकिंग पाउडर, वो हमको 1 टेबलस्पून डालनी है। इसको हम बाद में मिक्स करेंगे अच्छे से। अब हम पहले डालेंगे इसमें ऑरेंज जूस 1/2 कप है, ये जाएगा इसमें वेजिटेबल ऑयल। इसके बाद हम इसमें डालेंगे दूध, गया इसमें मिल्क, इसको हम थोड़ा सा मिक्स करेंगे। फिर इसमें जाएगा ये 2 टेबलस्पून ऑरेंज जेस्ट जो हमने वही ऑरेंज का निकाला था। अब हम डालेंगे इसमें 1-1 करके एग, एक है ऐसे, हम 3 एग्स डालेंगे इसमें, ये 2। बस इसको हल्का सा मिक्स करना है। अब हम डालेंगे इसमें 1/4 कप शुगर, 1 1/4 कप। ये जो हमारा मैदा था इसमें हम ये वेट मिक्सचर डालेंगे और थोड़ा हल्का हल्का उसको मिक्स करते जाएंगे। ये देखिए ऐसे मैंने मिक्स कर दिया, बस ज़्यादा नहीं मिक्स करना है। अब हम इसको टिन में डालेंगे। मैंने टिन को बटर लगा के उसको उसके ऊपर फ्लावर छिड़क के ऐसे टिन रेडी कर दिया है डस्टिंग करके। अब हमें बैटर उसमें डालेंगे। देखिए ये पूरा बैटर मैंने इसमें पोर कर दिया है। अवन को मैंने 10 मिनट्स के लिए प्री हीट कर दिया है 180 पे। अब इसको हम बेक करेंगे। ये देखिए केक हमारा बनकर ऐसा रेडी हो गया है। इसको हम प्लेट में निकाल के सर्व करेंगे। ये मुझे ऊपर से मैंने थोड़ा सा उसको ब्राउन होने तक बेक किया क्योंकि मुझे इसी टाइप का केक पसंद है इसलिए। ये देखिए मैंने अब ये केक को ठंडा होने के बाद काटा है। आप देख सकते हैं कितना स्पॉन्जी है। इसका क्रस्ट थोड़ा हार्ड लगेगा आपको, लेकिन यह केक अंदर से बहुत सॉफ्ट और स्पॉन्जी है। आप ज़रूर ट्राई कीजिए, मेरा फेवरेट केक है ऑरेंज।